हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज एसएससी फुल एक्शन में है, तो अपडेट्स पे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगला अपडेट अभी इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स के लेकर दिया। रिजल्ट्स की डेट इन्होंने अनाउंस की है और इन्होंने फिलहाल इसमें ये बताया कि कौन कौन से रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। तो सीपीओ का रिजल्ट 28 को आ गया था, सीएचएसएल का 30 को आ गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का रिजल्ट इन्होंने कहा है 31 अक्टूबर को आएगा फाइनल रिजल्ट। इसके अलावा सीपीओ का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सीपीओ 2020 का फाइनल रिजल्ट ये 31 अक्टूबर 2021 को रिलीज कर देंगे। इसके अलावा सीजीएल का टीयर वन का रिजल्ट 30/11, सीएचएसएल का टीयर वन का रिजल्ट 30/11/2021 यानी कि 30 नवंबर को आएगा। इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर का पेपर है, पेपर 2 2019 का, इसका रिजल्ट जो है वो 30 नवंबर 2021 को इसका भी रिजल्ट आएगा। इसके अलावा सीजीएल का रिजल्ट ये पहले ही था, इसमें कुछ नया नहीं ऐड हुआ है, जो नया ऐड हुआ है मैं बता दूंगा। सीजीएल का रिजल्ट की डेट पहले ही इन्होंने 11 दिसंबर बता रखी थी, तो 11 दिसंबर को सीजीएल का टीयर वन की डेट है और 28 और 29 जनवरी को पेपर होगा आपका। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर का फाइनल रिजल्ट जो है वो 31/1/2022 यानी कि 31 जनवरी को जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट लाएंगे ये। इसके अलावा एसआई इन सीपीओ, एसआई इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ का फाइनल रिजल्ट जो है 2019 का, ये कांस्टेबल था, मैंने इसको सीपीओ बोल दिया था, कांस्टेबल था, इसका अक्टूबर में आएगा, ठीक है। सीपीओ का रिजल्ट जो है ये 31/1/2021 को आएगा, 2022 को आएगा यानी 31 जनवरी को आएगा। और इसके अलावा सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट 15 फरवरी को देंगे ये, ठीक है। काफ़ी डिले है, मतलब खुद शर्म आनी चाहिए कि 2019 का पेपर है, हालांकि मान लीजिए 2019 का है, 2020 में मान लीजिए टीयर वन कंडक्ट हुआ, उसके बावजूद आपको 2 साल लग जाते हैं पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करने में। तो 15 फरवरी को सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट की डेट इसमें ऐड हुई, मतलब ये 3 ऐड हुए हैं, जूनियर इंजीनियर का फाइनल रिजल्ट, एसआई इन सीपीओ का फाइनल रिजल्ट और सीजीएल का फाइनल रिजल्ट। तो सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट 15 फरवरी को आएगा, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हुआ है। बाकी कुछ लोगों का पूछना था, ये कहना था कि एक बात ये नहीं समझ में आ रही, क्या बात समझ में नहीं आ रही, मैं भूल गया। खैर, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जस्ट लेट मी चेक, हाँ, कि अगर एग्ज़ाम से, हाँ, ये 28-29 को टीयर 2 हो जाएगा तो टीयर 3 कैसे होगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, सीजीएल 2019 का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि टीयर 2 कंडक्ट करा लिया था, उसके कुछ दिनों बाद टीयर 3 कंडक्ट करा लिया था। तो जितने बच्चों ने टीयर 2 दिया था उतने ही बच्चों ने टीयर 3 भी दिया था। अगर आप टीयर 2 क्वालिफाई करोगे तो आपकी टीयर 3 की कॉपी चेक होगी, अगर आप टीयर 2 क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी टीयर 3 की कॉपी चेक नहीं होगी। तो सीजीएल जो हम जिसका फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, सीजीएल 2019, इसमें भी यही हुआ था, 15 से 18 नवंबर तक टीयर 2 हुआ था और उसके बाद कुछ दिसंबर में ही, कुछ दिनों के बाद, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, कुछ ही दिनों के बाद टीयर 3 कंडक्ट करा लिया गया था। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब टीयर 2 और टीयर 3 उतने ही बच्चे देंगे जितने बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, तो वो हो जाता है उसमें भी, ठीक है। इसके अलावा किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि सीजीएल 2021 नहीं होगा क्योंकि इन्होंने फरवरी तक का कैलेंडर निकाला है। अगेन, फरवरी तक का कैलेंडर निकाला है, मार्च तक का नहीं। पिछली बार भी पेपर कंडक्ट होने वाला पिछली बार भी जब नोटिफिकेशन आया था तो वो नवंबर दिसंबर के आसपास ही आया था और पेपर कंडक्ट हमारा मार्च में, अप्रैल में होना था, शायद मई जून में होना था, उसके बाद वो डिले होकर अगस्त में हुआ था जाके। तो ऐसे ही होता है हर साल, तो उसमें कोई मतलब अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में, मैंने आपको बताई। आपको कुल मिला के जो सबसे बड़ा अपडेट था वो ये था कि सीजीएल और सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, सीपीओ का 31 जनवरी को और सीजीएल का फाइनल रिजल्ट 15 फरवरी को आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय।